Next question. Question says a car moves on a circular road, describing equal angles about the center in equal intervals of time. सवाल है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ कार इज ट्रू. तो नाउ सिनेरियो ये है कि यह आपकी कार ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रही है. सो यहाँ से यहाँ पहले मान लीजिए उसने एक थीटा एंगल बनाया, यहाँ से यहाँ उसने दूसरा थीटा एंगल बनाया, यहाँ से यहाँ जाने का जो टी वन टाइम है टी टू टाइम है दोनों बराबर है. राइट, अब हमें बताना है वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं. सो अगर आपका इस तरह का मोशन हो रहा है उसमें हम कहेंगे यहाँ पे आपकी ओमेगा कांस्टेंट होगी. राइट, सो थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया इन टाइम टी, तो ओमेगा है उसको आप लिखेंगे ओमेगा ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय टी. सो हर थीटा के लिए आपका टाइम अगर सेम है तो ओमेगा कांस्टेंट हो गई. तो विच एम्प्लाइज आपकी स्पीड जो है उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपकी कांस्टेंट हो जाएगी. नाउ क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जब आपका पार्टिकल है उसकी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सिमिलरली वेलोसिटी आपकी ऐसे ऐसे बदलती जाएगी. सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये पार्ट आपका सही है, बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. सो दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज, ये आपका ऑप्शन गलत है, ये पहला भी गलत है. वेलोसिटी इज डायरेक्टली टू अ सेंटर सर्कल, नहीं सेंटर की तरफ आपका एक्सेलेशन जो सेंट्रिपेटल एक्सेलेशन वो डायरेक्टेड होता है, वेलोसिटी नहीं. सो ऑप्शन नंबर टू वुड बी द राइट आंसर. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया.